सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मेरा एग्जाम है SSC फेज 12 का, और 26th of June एंड थर्ड शिफ्ट में। और पता है सेंटर कहाँ पड़ा है भाई? सेंटर बहुत दूर उन्होंने दे दिया है, हरियाणा के फरीदाबाद में। आपने फरीदाबाद का नाम जरूर सुना होगा। सो वहीं जाना है अभी। बाकी प्रिपरेशन तो अच्छी है, एग्ज़ाम कैसा जाता है जैसा भी जाएगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा। एंड जो मेरा लेवल है वो है ग्रेजुएशन लेवल का। इसमें तीन लेवल आता है, 10th लेवल, 12th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल। बाकी मेरा जो है वो ग्रेजुएशन लेवल है। और एक चीज़ और, मैं जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ उसमें मात्र 5 वैकेंसी है। और आज का मौसम भी ठीक है, पता है क्यों? क्योंकि आज एग्ज़ाम है ना मेरा, इसलिए आज का मौसम भी थोड़ा सही है, मतलब ज़्यादा गर्मी नहीं है। अब देखते हैं यार, मैं तो चाह रहा हूँ कि बारिश वारिश हो जाए, ठीक रहेगा। अच्छा, अभी निकलने से पहले ना, जब मैं घर में मेट्रो कार्ड ढूंढ रहा था तो मेरे को एक नहीं बल्कि 3-3 मेट्रो कार्ड मिल गए। अब मेरे को यही नहीं पता कि किस में रिचार्ज है और किस में रिचार्ज नहीं है। अगर रिचार्ज नहीं होगा तो यार वो भी रिचार्ज करवाना पड़ जाएगा। अब ऐसा नहीं हो मेरे को जाते जाते लेट हो जाए। बाकी यार एग्ज़ाम का अलग ही टेंशन है कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, जो भी है ना, होता है ना यार, हर बंदा उस टाइम पर प्रेशर फील करता है एग्ज़ाम से पहले पहले तक। बाकी एग्ज़ाम जैसा भी होगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करने वाला हूँ रिव्यू, कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन थे, कट ऑफ कितनी जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, और कितने बच्चे वहाँ पे आए थे, सारा कुछ। और आज SSC फेज 12 का लास्ट एग्ज़ाम है, यानी कि जो मेरा एग्ज़ाम है ना वो लास्ट डे एंड लास्ट शिफ्ट है, मतलब सही पड़ा है। और कल से CPO का एग्ज़ाम स्टार्ट है, लेकिन मैंने फॉर्म फिल नहीं करा है CPO का। बाकी फाइनली मैं मेट्रो के अंदर आ चुका हूँ, और हमेशा की तरह सीट नहीं मिला यार। दिल्ली मेट्रो में ना सीट नहीं मिलता है भाई, कुछ भी हो जाए, मतलब अगर आपकी किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी है तब आपको सीट मिल जाएगा, अदरवाइज़ तो कोई चांस ही नहीं है। बाकी फिर मेरे को यहाँ से ना बोटानिकल जाना है, बोटानिकल गार्डन, फिर वहाँ से फिर दूसरी मेट्रो लेनी है कालका जी के लिए, फिर वहाँ से तीसरी मेट्रो लेनी है जो मेरा सेंटर है वहाँ के लिए। तो बहुत ज़्यादा झमेला होने वाला है, बहुत ज़्यादा क्राउड है। सो फाइनली मेरे को इस वाली मेट्रो में सीट मिल गई है। सच में यार किस्मत बहुत अच्छी है मेरी, अब मेरे को सीट मिल गई है। और अभी मेरे को ये मेट्रो चेंज करनी पड़ेगी, कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे मेरे को चेंज करके फिर दूसरी मेट्रो लेनी पड़ेगी जहाँ मेरा सेंटर पड़ा है। और अभी बाहर का मौसम बहुत ज़्यादा सॉलिड है, मतलब ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। अभी बारिश होगी या नहीं पता नहीं, लेकिन देख के तो ये लग रहा है कि भाई बारिश होने वाली है। बाकी आप लोग ये बताओ यार, आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया SSC फेज 12 का? आपने अभी एग्ज़ाम वगैरह दिए होंगे? अभी 2-3 से तो मेरी बात हुई है, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्होंने बोला उनका एग्ज़ाम अच्छा गया। मैथ का लेवल थोड़ा हार्ड था, बाकी मेरा कैसा जाता है मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगा अपना रिव्यू। यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इतना दूर दूर सेंटर क्यों जा रहा है। अभी जैसे कल से CPO का एग्ज़ाम स्टार्ट होना है, तो मैंने यूट्यूब पे एक दो वीडियो देखी थी, मतलब थंबनेल से मालूम चल गया कि सेंटर बहुत दूर दूर जा रहे हैं। अभी ये जो मेरा सेंटर है ये मेरे घर से टोटल 45 किलोमीटर दूर है। वो तो मेट्रो है, तो मेट्रो के थ्रू क्या होता है ना कि सफ़र का पता नहीं चलता, अपन जल्दी पहुँच जाते हैं, ऐसा होता है। सो फाइनली मैं अपने लास्ट स्टॉपेज यानी कि एस्कॉर्ट्स मुजेसर मेट्रो स्टेशन पहुँच चुका हूँ। अब मेरे को यहाँ से ऑटो लेना है, देन ऑटो करके मेरे को जाना है अपने सेंटर पे। अभी देखते हैं नीचे क्या होता है, ऑटो मिलती है या फिर नहीं मिलती है, जो भी होगा देखते हैं अपन। सो फाइनली ऑटो करके मैं अपने सेंटर पे आ चुका हूँ, और सेंटर का नाम, स्कूल का नाम क्या है, VM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये वही रोड है, इसके जस्ट साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्कूल। और यहाँ पे देखो बच्चे बहुत ही कम है। रीज़न ये है कि आई थिंक मेरे को ऐसा लग रहा है कि सेंटर बहुत छोटा है, यानी कि स्कूल बहुत छोटा है इसलिए ऐसा है। बाकी ये देखो स्कूल का प्रॉपर व्यू, VM सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और ये अभी टाइम पता है कितना हो रहा है, अभी हो रहा है 4:10, और मैं काफ़ी पहले पहुँच गया सेंटर पर। और जब मैं आया था तो कम से कम यहाँ पे 10-15 बच्चे होंगे, 10-15 बच्चे अंदर जा चुके हैं, अब बाकी धीरे धीरे बच्चे आएंगे, देन वो जाएंगे। ये दो जो सामने में खड़े थे ये पेरेंट्स थे किसी के, गार्जियन थे, और उस साइड में एक भाई खड़ा है। बाकी अब मैं भी जाने वाला हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे खड़े रह के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि कोई है ही नहीं आसपास। तो अंदर जाते हैं, एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम जैसा भी जाएगा मैं आप लोगों के साथ रिव्यू ज़रूर शेयर करूँगा। सो मिलते हैं एग्ज़ाम के बाद। सो फाइनली मेरा एग्ज़ाम ओवर हो गया, और एग्ज़ाम कैसा गया मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सेंटर के अंदर ज़्यादा बच्चे नहीं थे, मुश्किल से मुश्किल आई थिंक 100 के आसपास बच्चे होंगे, क्योंकि ये सेंटर बहुत छोटा था और एक बड़ा सा हॉल था, उसी हॉल में सारे बच्चे बैठे हुए थे। गिन के यार 80 या 90 बच्चे, अब अप्रोक्स मान लो 100 बच्चे होंगे टोटल। सो जैसे ही मैं सेंटर से बाहर निकला, वहाँ पे ऑटो खड़ी थी, ऑटो करके डायरेक्ट पहुँचा मैं आपको बाटा चौक मेट्रो। और ये जो मेट्रो है ना, ये आपको एस्कॉर्ट्स मुजेसर मेट्रो से पहले पड़ता है। सो सबसे नियरेस्ट मेट्रो यहीं था, उसके बाद वहीं सेम प्रोसेस 2-3 मेट्रो चेंज करा और डायरेक्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गया। अब बात करते हैं एग्ज़ाम की, एग्ज़ाम मेरा कैसा गया। सो देखो यार क्वेश्चन का लेवल, सबसे पहले अपन बात करते हैं मैथ को लेकर, तो मैथ का क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं बोल सकते बहुत ज़्यादा ईजी था। अगर मैं बात करूँ GK GS की, तो ये क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का था, ना ज़्यादा ईजी था ना ज़्यादा हार्ड था। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपसे सारे क्वेश्चन तो नहीं, मतलब 19-20 क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट कर लिए होंगे।
ओके। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है रीजनिंग। देखो रीजनिंग का जो लेवल था ना काफ़ी ज़्यादा ईजी था, बहुत ईजी था। इन चारों में सबसे ज़्यादा इजी आपका रीजनिंग था, तुरंत तुरंत क्वेश्चन बन रहे थे। सो अपन सबसे लास्ट में बात करते हैं इंग्लिश को लेकर। देखो इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था क्योंकि इसमें एक पैसेज भी आया था और पैसेज के साथ साथ एक क्लोज टेस्ट भी था। देखो सीजल के एग्ज़ाम में सिर्फ एक क्लोज टेस्ट आता है, लेकिन यहाँ पर क्लोज टेस्ट के साथ साथ एक पैसेज भी आया था। सो इंग्लिश का लेवल ठीक ठाक था। बाकी अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो मेरा मैथ का लेवल थोड़ा सा ख़राब चला गया। रीज़न ये था कि मेरे को ना इसमें इंग्लिश में थोड़ा टाइम लग गया, ठीक है, मतलब जितना टाइम नहीं लगना चाहिए था इंग्लिश में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। और अगर मैं बात करूँ रीज़न की तो यार रीज़न सिंपल सा यही है, बस मैं क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस करके गया था, मेरे को नहीं पता था कि वहाँ पे पैसेज भी आता है। बाकी पैसेज थोड़ा लेंथी था लेकिन वर्ड काफ़ी ईजी थे। सो चार क्वेश्चन उसमें से बने ठीक ठीक, एक क्वेश्चन नहीं बना। देखो चार क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ ठीक ठीक क्योंकि यार एक फार्मर को लेकर कहानी थी। आपने शायद अगर एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको पता होगा एक फार्मर को लेकर कहानी थी जिसका नाम जॉन था। सो मैं इसमें एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फार्मर का नाम क्या था, सो जॉन था, तो यार ये क्वेश्चन तो सही होगा ना, इसलिए बोल रहा हूँ। और बाकी रही बात क्लोज टेस्ट की, तो देखो यार क्लोज टेस्ट में अपन गलती करते हैं, अगर अपन दो ऑप्शन में कन्फ्यूज़ हैं या तो ये होगा या तो ये होगा तो उसमें गलतियाँ हो सकती हैं। लेकिन पैसेज में क्या होता है ना, मतलब उसमें अगर आपने पढ़ लिया, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो फिर वो सही होना ही होना है। चार क्वेश्चन बने, एक क्वेश्चन नहीं बना पाँच में से। बाकी ओवरऑल मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया बस। सो देखो अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो यार इस एग्ज़ाम का कट ऑफ सच में हाई जाने वाला है, आई थिंक 160 प्लस जाने वाला है, क्योंकि एसएससी फेस 12 का जो एग्ज़ाम होता है ना, एसएससी फेस का जो एग्ज़ाम होता है उसकी कट ऑफ हमेशा हाई जाती है। और वैसे भी चार पाँच दिनों में तो इसका आंसर की आ जाएगा। सो मेरे जितने भी मार्क्स आएंगे मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और अगर मैं बात करूँ वैकेंसी को लेकर तो भाई बस टोटल 5 वैकेंसी थी मेरे लिए, मात्र 5 वैकेंसी। अब सोचो इस वैकेंसी के लिए कितने सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप करा होगा और कितनी टफ कंपटीशन होने वाली है। बाकी आंसर की 4 या 5 दिनों में आ जाएगा और जितने भी मार्क्स आएंगे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आई होप कुछ अच्छा ही हो, बाकी देखते हैं क्या होता है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया। बाकी कल यानी कि 27 जून से CPO का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, सो आप सभी को ऑल द बेस्ट। और 1 जुलाई से CHSL का भी एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, सो सबका स्टेटस आ चुका है, मतलब कहाँ कहाँ आपका एग्ज़ाम पढ़ने वाला है, सो आप लोग चेक कर लेना ठीक है। सो CHSL वालों को भी ऑल द बेस्ट। बाकी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो याद से कर देना।